Assalamu alaikum. I am Nabila from Dhaka Community Medical College. Welcome to our biochemistry series. So, we have started. कार्ड वन सीरीज एंड जिसमें आज हम लोग इनशाला स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइड को टॉपिक सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स विद इट सो वॉट आर क्रिस्टोलाइड्स दीज आर द दबस्टेंसेज विद द मोलिकुलर साइज लेस देन वन नैनोमीटर जिनका मॉलिकुलर साइज़ जो होता है वो क्या होता है वन नैनोमीटर से कम होता है तो वो क्या होता है क्रिस्टलॉइड्स होते हैं इनका क्राइटेरिया क्या है क्योंकि देखिए चूंकि दे आर स्मॉलर इन साइज दे कैन पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अब देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जहाँ से क्या होता है कुछ uh, पिक्यूलियर कुछ खास अमाउंट ऑफ या कुछ खास ही सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं वहाँ से ट्रेवल कर सकते हैं हर सब्सटेंस वहाँ से क्या होता है पास नहीं कर सकता ओके सो so, क्रिस्टलाइज जो होते हैं तो इनका साइज चूंकि कुछ ज़्यादा ही छोटा है तो ये क्या होता है सेमी मेम्ब्रेन मेमरेंसी क्या होता है पास कर सकते हैं ओके देन वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टोलाइट्स दे क्या होंगे एग्जाम्पल्स लाइक सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक है सोडियम आयन पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन एक्सेट्रा कुछ मिनरल्स होंगे लाइक आयरन मैग्नीशियम कोबाल्ट एंड एक्सेट्रा देन वाइटामिन हैं ग्लूकोज एंड सम अदर मोनोसेक्राइट्स हैं देन फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स सो दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर क्रिस्टोलाइट्स नाउ कम टू कोलाइट्स ओके अब कोलाइट्स क्या होते हैं तो कोलाइट्स है दीज आर दबस्टेंसेज विद द मॉलिक्यूलर साइज बिटवीन वन टू हंड्रेड नैनोमीटर क्रिस्टोलाइट का साइज़ क्या था लेस देन वन नैनोमीटर ओके तो ये काफ़ी छोटा है राइट right? इसलिए क्या कर रहा है पास कर जाए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वन नैनोमीटर से भी छोटा है बट कोलाइड्स की बात करें तो इसका जो साइज़ एट इज़ बिटवीन वन टू हंड्रेड नैनोमीटर तो ऑब्वियसली क्रिस्टेलाइड से काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज़ है इसका ठीक है तो आ, और जो क्रिस्टलाइट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं ए माइक्रॉन्स बोलते हैं एंड कोलाइड्स का एक और नाम क्या है सब माइक्रॉन्स ओके okay? नाव क्राइटेरिया क्या है तो चूँकि कोलेस्ट्रेस दे आर बिगर इन साइज सो दे कैन नॉट पास थ्रू द सेमी परव्यबल मेम्ब्रेन ओके अब भाई कुछ मान लीजिए जो हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल सीविंग के लिए जब लोग चाय सीव करते हैं तो उसके अंदर क्या है चाय जो होती है वो क्या होती है नीचे आ जा रही है छन्नी से ओके okay? एंड जो चाय जो पत्ती होती है टी लीव्स जो होती है वो क्या होती है आ, उस छन्नी पर क्या हो जाती है ऊपर बैठ जाती है सो यू कैन टेक इट एज़ कि जो आ, जो नीचे निकल कर आ गया वो क्या है हमारा क्रिस्टलॉइड हो गया और जो ऊपर जो पार्टिकल्स बच गए वो क्या है? हमारे कोलॉइज क्योंकि उनका साइज बड़ा है और जो हमारी जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गया हमारा चाय का जो आ, सीवर होता है ठीक है छन्नी जो हम बोलते हैं तो वो हमारा क्या हो गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आप ऐसे एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं देन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइड्स क्या है तो प्रोटीन है लाइक प्लाज्मा प्रोटीन्स उसमें आते हैं एल्बोमिन ग्लोबुलिन फेब्रिनोजन प्रोथ्रॉम्बिन एसेट्रा लिपिड्स हैं एग्जाम्पल कोलाइड्स के लाइक लाइप प्रोटीन है फिर स्टार्च है ग्लाइकोजन है डी एन एंड आर एन ए डी एन एक्सी रायोन्यूक्लिक एसिड एंड आर एन एज राइबोन्यूक्लिक एसिड सो दिस इज इट अबाउट एंड कोलाइड्स आप लोग को क्वेश्चन आता है मेनली इसके अंदर कि ओके वट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टोलाइड कैन इट पास थू द सेमी परमेबल मेम्रेन देन वट आर द कोलाइड्स एंड कैन दे पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्रेन इनका मेनली पूछा जाए साइज ओके देन आपको पूछा जाता है मेन क्वेश्चन की ओके वॉट आज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टोर एंड कोलोइड ये uh, आपको वाद में पूछा जाता है साथ ही आपको रिटर्न में भी आता है सो so, क्रिस्टलॉइड्स के अभी हमने देखा मॉलिक्यूलर साइज लेस देन वन नैनोमीटर कोलाइज के जिनका मॉलिक्यूलर साइज बिटवीन वन टू हंड्रेड नैनोमीटर ओके क्रिस्टलाइज चूंकि छोटे साइज के तो दे कैन पास थ्रू द सेमी परमेबल बट कोलाइज दे कैन नॉट पास थ्रू द सेमी परमेबल मेमब्रेन देन दीज आर डायलाइजेबल डायलाइजेबल अभी हम लोग इनशाला आगे देखेंगे कोलाइज की प्रॉपर्टीज में तो डायलाइजेबल यानी क्या होता है कि ऑब्वियसली जो चीज छन सकती है भाई तो वो डायलाइजेबल ओके okay? अभी मैं सिंपल शब्द में आप लोग एक्सप्लेन कर रही हूँ तो कोलाइट के क्रिस्टलाइट क्या छन जा रहे हैं ठीक है तो है डायलाइजेबल कोलोइ्स क्या है आर नॉन डायलाइजेबल क्योंकि छन नहीं पाते ठीक है देन क्रिस्टलाइड्स क्या है तो ये ट्रू होमोजीनस सॉल्यूशन बनाते हैं और जो कोलोइ्स हैं वो क्या बनाते हैं कोलॉडल सॉल्यूशन बनाते हैं कोलइडल सॉल्यूशन का एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है मिल्क मिल्क इजे कोलाइडल सॉल्यूशन ओके देन क्रिस्टलाइज जो होते हैं वो ऑस्मोटिकली एक्टिव एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा ऑस्मोटिकली एक्टिव रहते हैं और इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो भी क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स लाइक मतलब काफ़ी एक्टिव रहते हैं क्रिस्टोलाइट्स एंड ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो है काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सर्ट करते हैं अभी ऑस्मोटिक एक्टिव पार्टिकल्स क्या ऑस्मोसिस क्या, क्या है या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है तो आप लोग को हमारी प्रीवियस वीडियोस में मिलेगा सो so, डेफिनेटली आप वो वीडियोस जाकर जरूर चेक करें एंड जो कोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑस्मोटिकली लेस एक्टिव होते हैं इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो आ, लो होता है ओके okay? दैन जो क्रिस्टलाइज होते हैं वो वाटर मूवमेंट कराते हैं ऑब्वियसली और ऑस्मोसिस कराएंगे ऑस्मोसिस क्या वाटर का मूवमेंट हो रहा है ठीक है एंड थ्रू सम सेमी परमेबल जो है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू कराते हैं वाटर का मूवमेंट बट जो कोलाइज हैं वो क्या कराते हैं कैपिलरी मेम्ब्रेन के थ्रू कराते हैं वाटर मूवमेंट को ओके एग्जांपल्स ऑफ क्रिस्टलाइट अभी हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोलाइट्स हैं लाइक सोडियम आयन पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन मिनरल्स हैं ग्लूकोज है अदर like हैं है माइनोसिड्स एंड फैटी एसिड्स और कोलाइट्स का क्या एग्जांपल लाइक प्लाज्मा प्रोटीन लैपो प्रोटीन स्टार्ट टैकोजन डी एन ए आर एन एक् ये जो हमारे जो नोट्स है आप लोग को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे फेसबुक ग्रुप पे मिल जाएगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड ऑल्सो काइज प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल सो दैट हम लोग को और ज्यादा मोटिवेशन मिले टू मेक सच गुड वीडियो लाइक दिस एंड वन लास्ट थिंग जो तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दैट इज अभी हम लोगों ने देखा कि क्रिस्टेराइड जो होते हैं ऑस्मोटिकली वेरी एक्टिव होते हैं एंड इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कुछ ज्यादा हाई होता है एज कंपेयर टू तो कोराइड सो ऐसा क्यों है क्योंकि okay, ये आपको वाइवा में पूछा जाता है दैट्स अ वेरी श्योर क्वेश्चन फॉर द वाइवा सो मैं ऐसे लिख भी देती हूँ कि फॉर वाइवा के लिए काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन तो बेसिकली हम लोग ये चीज जानते हैं प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखिएगा जरूर कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है इट डिपेंड्स ऑन टोटली ऑन द नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स कि भाई कितने ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स है जो सेमी परमिबल मेम्रेन के थ्रू जा सकते हैं ठीक है ठीके? तो दे डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स नॉट ऑन द साइज नॉट ऑन द शेप किसी चीज़ पर नहीं सिर्फ नंबर पर ठीक है आप देखिए क्रिस्टोराइड क्या है छोटा साइज़ है यार इनका तो ऑब्वियसली छोटा साइज है तो नंबर ज़्यादा होगा और जो क्लोराइड्स है वो क्या है बड़ा साइज़ है तो उनका नंबर क्या होगा एज कम्पेयर टू क्रिस्टोराइड्स कम होगा तो जैसे कि हमने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो किसके ऊपर डिपेंड करे साइज पर जितना ज्यादा साइज उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर सॉरी ऑस्मेटिक प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करें नंबर पे जितना ज्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उतना ज़्यादा ऑस्मेटिक प्रेशर क्रिस्टलाइज छोटे हैं तो उनका नंबर ज्यादा होगा तो इसलिए उनका ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा तो इसी को मैंने आप सेंटेंस फॉर्म में पुट किया अपने अपने वर्च्स में सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स सो कंसिडरिंग अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे क्या होगा क्रिस्टलाइड पार्टिकल्स जो होंगे ज्यादा हो गए क्योंकि उनका साइज कम है तो और कोलाइज पार्टिकल कम होंगे क्योंकि उनका साइज क्या ज्यादा है सो देर विल बी मोर क्रिस्टलाइड पार्टिकल्स एनहेंस They will exert high osmotic pressure. So, this is for today. Uh, thank you.